भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज प्रातः मैं बेंगलुरु में था, सुबह बहुत जल्दी पहुंचा था। तय किया था कि भारत में जाकर के देश को इतनी बड़ी सिद्धि दिलाने वाले वैज्ञानिकों के दर्शन करूं, और इसलिए मैं सुबह सुबह वहां चला गया। लेकिन वहां जनता जनार्दन ने सुबह से ही, सूर्योदय से भी पहले, हाथ में तिरंगा लेकर के चंद्रयान की सफलता का जिस प्रकार का उत्सव मनाया, वो बहुत ही प्रेरित करने वाला था। और अभी कड़ी धूप में सूरज बराबर तप रहा है, और इस महीने की धूप तो चमड़ी को भी चीर देती है। ऐसी कड़ी धूप में आप सबका यहां आना और चंद्रयान की सफलता को सेलिब्रेट करना और मुझे भी सेलिब्रेशन में हिस्सेदार बनने का सौभाग्य मिले, ये भी मेरा सौभाग्य है। और मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं इसरो पर सुबह पहुंचा था, तो चंद्रयान द्वारा जो तस्वीरें ली गई थी, उन तस्वीरों को पहली बार रिलीज करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। शायद अब तो आपने भी टीवी पर वो तस्वीरें देखी होगी। वो खूबसूरत तस्वीरें अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सफलता की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत हुई। आमतौर पर एक परंपरा है दुनिया में कि इन प्रकार के सफल अभियान के साथ उस पॉइंट का कोई न कोई नाम दिया जाए। तो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा, और आज जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया हुआ है, उस पॉइंट को एक नाम दिया गया, और नाम दिया है शिव शक्ति। और जब शिव की बात होती है तो शुभम होता है, और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। जब शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है, और शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी याद आता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक की इस भावना को उस पॉइंट में प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम शिव शक्ति तय किया है। इसके साथ ही 2019 में चंद्रयान 2, उस समय नाम रखने की चर्चा मेरे सामने आई थी, लेकिन मन तैयार नहीं था। भीतर ही भीतर मन ने संकल्प कर लिया था कि पॉइंट 2 को भी नाम तब मिलेगा जब हम सच्चे अर्थ में हमारी यात्रा में सफल होंगे। और चंद्रयान 3 में सफल हो गए तो आज चंद्रयान 2 का जो पॉइंट था उसका भी नामकरण किया,
और उस पॉइंट का नाम रखा है तिरंगा। हर संकटों से जूझने का सामर्थ्य तिरंगा देता है, हर सपने को साकार करने की प्रेरणा तिरंगे देता है। और इसलिए दो में विफलता मिली, तीन में सफलता मिली तो प्रेरणा बन गई तिरंगा। और इसलिए जो पॉइंट टू चंद्रयान टू जो पॉइंट के रूप में अब तिरंगा के रूप में जाना जाएगा। और भी एक महत्वपूर्ण बात आज सुबह मैंने कही है, 23 अगस्त भारत की वैज्ञानिक विकास यात्रा में एक मील का पत्थर है। और इसलिए हर वर्ष भारत 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा।